सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। गाइस, फर्स्ट टेस्ट आपने देखा था, गाइस ड्रॉ हो गया था, मतलब इंडिया जीतने ही वाली थी उस मैच को, पर गाइस बारिश की वजह से पूरा का पूरा मैच ड्रॉ हो गया, नो रिजल्ट में मैच रहा। बट गाइस होप्स हो कि इस मैच में कोई बारिश वारिश ना आए, लॉर्ड्स में मैच होने वाला है। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, आपको पता है लॉर्ड्स कितना फेमस है टेस्ट मैचेस वगैरह के लिए। तो गाइस वीड़ियो से जुड़े रहना। गाइस इस वीडियो में हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम देंगे, इस मैच के बारे में प्लेयर प्रेडिक्शन करेंगे, टीम प्रीव्यू देखेंगे, दोनों टीमों की लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। एंड गाइस इस वीडियो में हमने आपके लिए गिव अवे भी रख रखा है 1000 रुपीज़ का। तो गाइस वो पूरी वीडियो पूरी देखना। गाइस वीडियो में के बीच में आपको बता दूंगा कि कैसे हम गिव अवे में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने पर हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करेंगे, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही आती है, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना। गाइस अगर हम वीडियो के बारे में बात कर लेंगे, इस वीडियो में अगर हम पहले बात कर लेते हैं गाइस प्लेइंग 11 में दोनों टीमों की, तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं होने वाला है। रविचंद्रन अश्विन इस मैच के से भी बाहर रहने वाले हैं। गाइस अगर आप यहाँ से चेकअप कर सकते हो, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 गाइस ऑलमोस्ट सेम है। गाइस दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बहुत ही, मुझे नहीं लगता गाइस कोई भी चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको पता है दोनों ने इंडिया ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही था, इंग्लैंड ने भी अच्छा परफॉर्म ही किया था। मतलब इतना भी फर्स्ट इनिंग में तो इंग्लैंड बिल्कुल ही मतलब ढेर हो गई थी, बट सेकंड इनिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत कवर अप कर दिया था। गाइस अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की टीम अपडेट के बारे में, गाइस तो इंग्लैंड ने अपने, आपको पता है मतलब उनको 9 विकेट चाहिए थे मैच को डिफेंड करने के लिए। गाइस वो तो क्या है, 152 रन उनको डिफेंड करने थे, ऐसे कुछ था 9 विकेट्स के अंदर। बट गाइस बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया, गाइस पूरे मैच नो रिजल्ट में आ गया। गाइस अगर हम इनके लास्ट मैच के बारे में बात कर लेते, गाइस जो लॉर्ड्स में तो लास्ट मैच इनका, गाइस उसमें इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया था 159 रन से। गाइस बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की थी इंग्लैंड की टीम ने लास्ट मैच में लॉर्ड्स में। बट गाइस वो चाहे इंडिया चाहेगी कि गाइस उस मैच को रिकवर करके, उस मैच को बुला के अपना आगे का देखें, अब इस लॉर्ड्स में एज अ रिवेंज की तरह आएगी टीम इंडिया। गाइस अगर हम इनकी ओपनिंग पर क्या रहे हैं बात कर लेते, गाइस ओपनिंग पर इनके रहने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से गाइस डोमिनिक सिबली एंड रोरी बर्न्स। गाइस दोनों प्लेयर कोई भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, गाइस मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से किसी भी प्लेयर को लेना। हाँ अच्छे अपने ओपनिंग पेयर हैं, बट गाइस मैं सजेस्ट नहीं करने वाला। गाइस अगर हम मिडल ऑर्डर में देख लें, गाइस मिडल ऑर्डर में रहने वाले हैं गाइस जैक क्रॉली, जो रूट एंड जॉनी बेयर्स। गाइस जो रूट बहुत अच्छी फॉर्म में है, आप इनको ज़रूर लेना, गाइस अपनी टीम में कैप्टन बना के भी लेके जाना। गाइस बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बहुत ही धांसू फॉर्म में, सेंचुरी भी लगा के आ रहे हैं लास्ट मैच में। तो गाइस जैक क्रॉली भी अच्छी पिक रह सकते हैं आपके लिए, जॉनी बेयर्स भी अच्छी पिक रह सकते हैं। गाइस जॉस बटलर आएंगे एज अ लोअर ऑर्डर में, सैम करन आएंगे एज अ लोअर ऑर्डर में। गाइस दोनों ही बहुत अच्छे तूफानी बैट्समैन, गाइस थोड़ा तेज़ रन बनाने के लिए जाने जाते दोनों ही बैट्समैन। बट गाइस यहाँ पे टेस्ट मैच है तो गाइस इतना कुछ परफॉर्म अच्छा करते नहीं है दोनों। जॉस बटलर तो खैर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है इन्होंने इंग्लैंड के लिए, सैम करन को अभी थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है गाइस लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए। अगर गाइस हम इनकी बात कर लें बॉलर्स में, कल बॉलर में रहने वाले गाइस स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन, जो उनके मेन बॉलर रहने वाले हैं दो, एंड इनका क्रिस वोक्स इस मैच के लिए भी अनअवेलेबल रहेंगे गाइस। सो सारा का सारा भार जेम्स एंडरसन एंड उस पर स्टुअर्ट ब्रॉड पर रहने वाला है। हाँ ओहली और रॉबिनसन भी अच्छी पिक रहेंगे आपके लिए, इन्होंने लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया था। वैसे अगर हम इंडिया टीम के बारे में बात कर लेंगे, इंडियन टीम आपको पता है लास्ट मैच में भी 157 रन से रह गई थी गाइस, 9 विकेट हाथ में थी गाइस, पूरा मैच इंडिया के हाथ में था लास्ट वाला, बट बारिश की वजह से सब कुछ बेकार हो गया गाइस इंडिया के हाथ से, मैच क्या मतलब ड्रॉ ही हो गया बिल्कुल मैच। तो गाइस इंडिया चाहेगी कि वो वाली इस बार ऐसा कुछ ना हो, बारिश का चक्कर को ना हो और इंग्लैंड से अपना लास्ट मैच का रिवेंज ले गए जो लॉर्ड्स में इंडिया हारी थी। गाइस लॉर्ड्स में इंडिया का बैटिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं गाइस, 110 पे ऑल आउट, 156-30 पे ऑल आउट गाइस, बहुत ही बेकार बैटिंग परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की। इंडिया के जो स्कीपर हैं गाइस विराट कोहली, उनसे बहुत उम्मीद है इंडिया को, बट गाइस वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, जितने बड़े नाम है गाइस उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं गाइस। वो बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं अपनी वो सेंचुरी गाइस, जो उनको बैक लाएगी फॉर्म के अंदर गाइस। जब से ये कोविड वाला सीन हुआ है उसके बाद से गाइस विराट कोहली की एक भी सेंचुरी नहीं आई गाइस, बस वही है इंडिया बस चाह रही है फटाफट से इनका जो मेन बैट्समैन है वो फॉर्म में है। हो सकता है वो यही मैच हो
जिसमें इंडिया विराट कोहली फॉर्म में आ जाएगा इस, क्योंकि आपको पता लास्ट मैच में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था विराट कोहली ने, इस मैच में मे बी परफॉर्म कर लें गाइस। अगर इनके ओपनिंग पेयर की मैंने बात करने लगा तो लोकेश राहुल एंड रोहित शर्मा इनके ओपनिंग में आएंगे गाइस, मिडल ऑर्डर में आएंगे गाइस चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली एंड रविंद्र रैना। आज भी बहुत गैल रहने वाली है विराट कोहली के ऊपर। अगर कहते हैं कि वो लोअर ऑर्डर के बारे में बात कर लेंगे, लोअर ऑर्डर में रहने वाले ऋषभ पंत रविंद्र जडेजा दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं टेस्ट मैच के गाइस, ऋषभ पंत भी अच्छा परफॉर्म कर ही देते हैं टेस्ट मैच में, एंड रविंद्र जडेजा का तो आपको पता ही है बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। वैसे अगर हम बात कर लें बॉलिंग डिपार्टमेंट का, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप चेकआउट कर सकते हैं इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट का, इस मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर गाइस तीनों मेन बॉलर रहने वाले हैं इंडिया के लिए गाइस। रविंद्र जडेजा पोर्ट एज अ स्पिनर लेके जा रही है टीम इंडिया, एंड फिफ्थ बॉलर रहने वाला है गाइस अपने मोहम्मद शमी गाइस। काफ़ी अच्छी बॉलिंग डिपार्टमेंट है गाइस टीम इंडिया के पास, अच्छे बॉलर्स हैं, क्वालिटी बॉलर्स हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी है सारे बॉलर्स में। आप अब देख सकते हैं गाइस ये मैच गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस इनका टेलीकास्ट आता है लाइव गाइस सोनी लिव पर देख सकते हैं, सोनी 10.2 HD पर, या फिर आप हमारी इस ऐप पर भी आके देख सकते हैं गाइस, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, इस ऐप पर भी देख सकते हैं लाइव कवरेज गाइस, पॉसिबल 11 की लाइव कवरेज गाइस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको गाइस ज्वाइन करने पर 10 rupees का कैश भी मिलेगा बोनस गाइस। अगर हम बात कर लेंगे इस दोनों इनकी फैंटेसी टिप्स के बारे में गाइस, फास्ट लोडर बॉलर जो है प्ले मेजर रोल इस पिच गाइस, ट्राई करना अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पेस बॉलर्स रखने की गाइस। की प्लेयर अगर हम देख रहे दोनों टीमों के गाइस, की प्लेयर रहने वाले हैं जो रूट, जॉस बटलर, सैम करन, ओली रॉबिन्सन, जिमी सैंडरसन। इंडिया की तरफ से अगर रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। वैसे अगर हम बात कर लें पिच रिपोर्ट की गाइस, तो पिच रिपोर्ट आपको पता है लॉर्ड्स की फेमस पिच है, लेजेंडरी पिच है गाइस, पेसर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट देती है, स्विंग अच्छा होता है गाइस, बाउंस अच्छा मिलता है गाइस, पेसर के लिए मतलब चांदी चांदी हो जाती है इस पिच पे, तो गाइस ट्राई करना पेसर्स को अपनी टीम में लेके जाने की। वैसे अगर हम बात कर लेंगे गिव अवे की, तो गाइस गिव अवे आपको कैसे पार्टिसिपेट लेना गाइस, आप यहाँ पे गाइस टीम सेक्शन दिख रहा होगा, आपको इस टीम सेक्शन पे क्लिक करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको जस्ट आप सजेस्ट योर टीम पे जाना है गाइस, सजेस्ट योर टीम पे यहाँ पे अपनी आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको अपनी टीम सजेस्ट करनी है, जैसे कि आप दिखा देता हूँ मैं आपको गाइस, जैसे कि यहाँ पे आ गए गाइस, सपोज अब मैं टीम बना ली गई, कोई भी रेंडमली गाइस टीम बना रहा हूँ मैं, कोई मेन टीम नहीं रहने वाली है, ये आपको बस बताने के लिए टीम बना रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टनसी गाइस बना दिया, प्रीव्यू गाइस अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गाइस, आपको जस्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और गाइस सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो ज्वाइनिंग हो जाएगी गिव अवे में गाइस, वो ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे एडिट योर टीम आ रहा है गाइस, मतलब आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो चुकी है, अगर आपको कोई टीम में चेंज करना है तो आप यहाँ से टीम चेंज कर सकते हैं गाइस। इससे आपको क्या होगा गाइस, आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट ले लिया, एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट गाइस जैसे ही मैच रिजल्ट खत्म होगा गाइस, उसका रिजल्ट हम अनाउंस कर देंगे, एंड आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही आपको गाइस जितने भी आप जीतते हैं गाइस उस हिसाब से आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा गाइस। ऐसे चेकआउट कर सकते हैं आप ब्रेकडाउन रिवॉर्ड्स के गाइस, फर्स्ट रैंक वाले को इतने रुपीज़, सेकंड वाले को इतने, थर्ड वाले को इतने, फोर्थ से फाइव वाले को इतने गाइस, ये सारे रुपीज गाइस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी आप जीतेंगे गाइस आपको आपके पॉसिबल 11 के अकाउंट में इतने रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको आप पेटीएम में अपना विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी आप चाहें तो। तो गाइस ऐसे आप अपने हमारा गिव अवे ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर ज्वाइन करना हमारा गिव अवे, ज़रूर ज्वाइन करना हमें पॉसिबल 11 की एप्लीकेशन पे, लाइक कवरेज भी आपको यहीं पे मिल जाएगी गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम 11 की टीम की तरफ, जो हमारा मेन चीज़ है। वैसे अगर हम बात कर लेंगे विकेट कीपर सेक्शन में गाइस, विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास तीन ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, जॉर्ज बटलर ले सकते हैं आप, ऋषभ पंत ले सकते हैं आप, जॉनी बेयरस्टो ले सकते हैं आप। कैसे यहाँ से ऋषभ पंत हैं, जॉनी बेयरस्टो के साथ जाना चाह रहा हूँ। जॉर्ज बटलर अच्छे बैट्समैन लोग फॉर्म में नहीं है, इतना लेट बैटिंग कर नहीं पाते, मैं जॉर्ज बटलर को आज इस मैच के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की होगा बट गए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट देख लेंगे, बैटिंग डिपार्टमेंट जो रूट, रोहित शर्मा तो गाइस मेन है ही, इनका केएल राहुल भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है गाइस। यहाँ से मैं विराट कोहली को अभी पिक कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को पता है गाइस विराट कोहली का फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा काफ़ी टाइम से गाइस, इनको पिक करना थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि क्रेडिट भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, 10 credit के प्लेयर हैं गाइस, क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, रिस्क है गाइस। बट गाइस जैसा इनका नाम है गाइस वैसा इनके काम कुछ टाइम से नहीं चल रहे हैं, बट होप्स हो गए इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे गाइस, इस मैच में हमें निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपना पूरी भारत की उम्मीदें विराट कोहली से हैं इस मैच के लिए गाइस। हम बात करेंगे गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में अपने पास गाइस रविंद्र जडेजा, सैम करन गाइस बहुत अच्छी पिक रहने वाले, सैम करन इस मैच में ऑलराउंडर बैट्समैन है, फास्ट बॉलिंग करते हैं एंड बैटिंग अच्छी कर लेते हैं।
गाइस पेस बॉलिंग में देख लेंगे। पेस बॉलिंग में अपने मेन बॉलर रहने वाले हैं जिमी एंडरसन, यहाँ से जसप्रीत बुमराह, एंड गाइस जो थर्ड अपना मेन बॉलर रहने वाला है एडवर्ड रॉबिन्सन। गाइस बहुत ही अच्छी पिक रहने वाले हैं गाइस रॉबिन्सन, आपको पता है अच्छी विकेट टेकिंग डिलीवरी डाल देते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं गाइस, कैप्टन बनाने वाले जो रूट को फिलहाल वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ तो केएल राहुल को। विराट कोहली गाइस मैं बनाना चाह रहा था बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा विराट कोहली के, तो मैं केएल राहुल के जाना चाहूँगा क्योंकि गाइस अच्छी फॉर्म में केएल राहुल। ऐसे ऐसे चेकअप कर सकते हैं मेरी फाइनल टीम का, ये मेरी फाइनल टीम रहने वाली है, मैं इसी से सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। फाइनल टीम जो मेन फाइनल टीम आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आएगी गाइस टॉस होने के बाद। टॉस होने के बाद कोई भी चेंज होता है गाइस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो ही जाएगा टाइम टू टाइम। गाइस टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना गाइस। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।